कहते हैं प्यार अनमोल होता है, लेकिन जब प्यार की कीमत लगाने की कोशिश हो तो प्यार प्यार नहीं रह जाता, बल्कि सिर्फ जिस्म का धंधा बनकर रह जाता है और कभी कभी तो ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। दनकौर की रहने वाली सोनम नाम की लड़की मॉडर्न ख्याल की है। उसने जितेंद्र नाम के युवक को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद सोनम ने प्यार की कीमत के लिए जितेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब जितेंद्र ने सोनम को पैसे देने से इनकार किया तो उसने धोखे से उसे गांव के पास एक बगीचे में बुलाया और उसकी हत्या कर ट्यूबवेल की होदी में शव को फेंक दिया। पुलिस ने जितेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है और मर्डर की कड़ियां जोड़ते हुए सोनम तक पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया। दनकौर में एक व्यक्ति जितेंद्र मिली थी, उसमें जितेंद्र के परिवारजनों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें कि एक सोनम नाम की जो महिला है, जो लड़की है, जिसको जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था हत्या का, उसको 24 तारीख में गिरफ्तार किया गया है और जिसके द्वारा पूछताछ में उसके द्वारा इस घटना को किया जाना स्वीकार किया है और इसमें फिलहाल जो है मुकदमे का अनावरण करते हुए जो अभियुक्ता है उससे जुड़ गया। सोनम बी एस सेकेंड ईयर की छात्रा है। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है। बताया जा रहा है कि वो तमंचा लेकर स्कूटी से निकलती थी। सोनम से हर लड़का खौफ खाता था। सोनम के दो भाई हैं, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसके साथ संपर्क कोई नहीं रखता। सोनम अपनी माँ के साथ गांव में रहती है। मृतक जितेंद्र के भाई का कहना है कि सोनम उसके भाई को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि पिछले 23 दिनों में सोनम और जितेंद्र के बीच 160 बार फोन पर बातचीत हुई। उससे पैसे वैसे भी लिए लड़की ने, वो उसकी रजिस्ट्री पजिस्ट्री थी, क्या था कैसे था, 5-7 लाख रुपए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आप समझ रहे ना, वजह क्या रही है, जो भी है पैसे का लेन देन रहा है उसी की वजह है। और वो लड़की तो आवारा टाइप की लड़की, यहाँ तो पूरा ग्रेट नोएडा जितना भी है किसी से पूछ सकते हैं उसके बारे में। ये है जो स्थिति है। बाकी जो पुलिस है वो अपना ठीक कार्रवाई अपना कर रही है। रात होने से पहले हम जब बाग में पहुंचे थे पुलिस वहां मौजूद थी, तो जब हम एंट्री कर रहे थे पुलिस हमारे सामने थी और हम पीछे से जा रहे थे, तभी ये लड़की की स्कूटी भी वहां से निकल रही थी। लेकिन चूंकि हमारा कोई ऐसा अंदेशा ही नहीं था, कोई मामला क्या है क्या है पता नहीं चल रही थी, पुलिस भी वहां मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सामने से निकली थी। पुलिस ने उससे रोक के पूछताछ भी करी थी कि भाई कहाँ से आ रहे हो तुम जंगल से। इसने कहा जी सर मैं ऐसे रिश्तेदारी की है ये फलाना ढिमकाना। उसके बाद वहाँ पहुँचे तो पुलिस भी शॉक्ड थी कि भाई ये लड़की अपना हत्या करके निकली गई हमारे आंखों के सामने से। हमें भी नहीं था इतना आइडिया कि भाई यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। ये सच ही कहा गया है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। बेवफा सोनम जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं इस प्रेम कहानी ने एक परिवार से उसके बेटे को छीन लिया। टोटल न्यूज़ के लिए ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट।